नेवल डिस्प्लेसमेंट और लोअर बैक एक, ये बहुत दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि आपका ये नेवल डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए मैंने तीन पिक्चर आपको सामने दिखाई, ये नेवल डिस्प्लेसमेंट अगर इसका डायरेक्शन ठीक नहीं तो बिल्कुल इसी के सीधे में यहाँ पर आपको लोअर बैक एरिया में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर इसको और सीधा किया जाए तो इस एरिया में आ जाएगी आप, जिसको हम फ्रंटल कहते हैं। ध्यान दें, अगर इस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ गई है, खास करके लोअर बैक एरिया में, तो इसका मतलब है कि आप की स्पाइन धीरे धीरे जर्जर हो रही है, और अगर इसको हम इस बीच से लें तो धीरे धीरे आप में लोअर बैक, अगर लो खास करके ध्यान दें कि अगर ये आपके लोअर बैक में दिक्कत हो, ये इस जो हम ड्राइंग कर रहे हैं इस लोकेशन में, तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। आप देखेंगे सिर के पिछले हिस्से, सिर के पिछले हिस्से में दर्द होगा, और अगर आपको सिर के पिछले हिस्से में बहुत बार बार दर्द हो रहा है, बहुत बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हेडेक हो रहा है सिर के पिछले हिस्से में, तो निश्चित तौर पर आप समझ लें कि अब आपकी नेवल डिसलोकेट हो गई है, नेवल में डिसलोकेशन आ गया है और ये एरिया आपका इफेक्टेड हो गया है। अब इसमें एक दूसरा पार्ट आ गया, अगर नेवल एरिया इफेक्टेड है बट लोअर बैक में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये फ्रंटल हेड भारी रहेगा, सिर का अगला हिस्सा भारी रहेगा, जिसमें आँख हो गया, सिर का ये हिस्सा, ये सारी चीज़ें भारी रहेंगी। और ध्यान दो, धीरे धीरे इस हिस्से पर भी प्रभाव आ जाता है, ये बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है, मतलब आपकी जो नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ध्यान देना है कि नेवल को बहुत हल्के में हम नहीं ले सकते, नेवल की जो साइड है वो इतना सीरियस है कि इसको बहुत ही सीरियसली लें और बहुत अच्छी तरह से इसका ट्रीटमेंट करें, और खास करके इसमें इसमें अगर हम इसको दूसरे रूप में लें तो यहाँ ज़्यादातर लोग मसाज मसाज पर फोकस कराते हैं, इसको हम अगर हटा दें, सबको सारी चीज़ें हटा दें हम, तो इस लोकेशन में, इस लोकेशन में लोग मसाज कराते हैं, जो कि मसाज सॉल्यूशन नहीं, न तो मसाज सॉल्यूशन है और न ही और कोई हिस्सा सॉल्यूशन है। हमारे नेवल को बेहतर करने का सबसे अच्छा फूड क्या हो सकता है, भोजन क्या हो सकता है, क्योंकि अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम है नेवल के कारण, तो स्ट्रेस कहाँ आता है, ध्यान दो, इस लोकेशन में। और अगर नेवल के फ्रंट पर ही आ रहा है तो इस लोकेशन में, ये फ्रंट। तो अगर हम देखें तो नेवल के फ्रंट में ही अगर ब्लोटेडनेस और स्टमक एरिया में आ रहा है तो ये वाली प्रॉब्लम आएगी, और अगर लोअर बैक में नेवल का फर्क आ रहा है, नेवल में दिक्कत आ रही है, नेवल के कारण लोअर बैक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा ये वाला हिस्सा प्रॉब्लम में आता है।
मतलब सिर के पिछला हिस्सा। अब अगर हम देखें, हम इसके लिए भोजन क्या कर सकते हैं, हमारा प्रमुख भोजन है हमारे मस्तिष्क में, इस मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान दें, सबसे ज़्यादा वाटर, एयर मतलब हवा, पानी, हवा और फैट, इन तीनों की कमी ना होने। अगर हमने इन तीनों की कमी नहीं होने दिया तो हम समझ लें कि हमारा आधा इलाज हो चुका। अब फैट में पानी और हवा तो जानते ही हैं, हवा का मतलब प्राणायाम, कुछ ऐसे प्राणायाम आपको करने हैं जो इंडिविजुअली इसको समझाया जाता है कि नेवल किस हिस्से में है, तो उसको प्राणायाम उसी तरीके का बताया जाता है। तो वाटर में आप पानी लें, निश्चित तौर पर अच्छी मात्रा में लें, और मैग्नीशियम बेस्ड, थोड़ा सा मैग्नीशियम भी होना चाहिए आप में। फैट कैसे बढ़ाएं, फैट का मतलब ब्रेन फैट, इसेंशियल फैट, जो पानी के साथ मिक्स करके आप कर सकते हैं। ध्यान दें कैसे होगा ये, जैसे ये और ये, इसको हम मिक्स कर दें, और वो कैसे होता है, वो है फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड 1 स्पून प्लस ल्यूक वार्म वाटर। अगर इसको बिफोर स्लीप हम ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, और हमारा लोअर बैक, हमारे सिर के पिछले हिस्से में, सिर के फ्रंटल हिस्से में और नेवल पर इसका